फ्रेंड्स, तो हमने कल ये पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, ये हम पढ़ रहे थे ना। तो इसमें हमने पहली पॉइंट्स जो पॉइंट्स लो फॉर्म है वो वाली फॉर्म हम पढ़ चुके थे। नाउ वी कम ऑन सेकेंड पॉइंट, डेट इज स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम पढ़ चुके थे। सेकेंड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें क्या है, एक तो स्लोप दिया होगा लाइन का और दूसरा उसका इंटरसेप्ट दिया होगा, बाई इंटरसेप्ट, है ना। तो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे ये लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन, और सपोज इस लाइन की स्लोप एम है और ये लाइन का जो बाई इंटरसेप्ट है वो सी है। सी क्या है अपना, बाई इंटरसेप्ट। बेटा देखो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो सी कैन बी पॉजिटिव और सी कैन बी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है हमें वेरियस फॉर्म में, तो सपोज ये फर्स्ट फॉर्म हम बता चुके थे, सेकंड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सपोज इस लाइन की स्लोप एम है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो सी है सपोज, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप तो ये देखो कि ये पॉइंट क्या होगा बेटा, 0, C, क्योंकि इस लाइन का जो इंटरसेप्ट सी है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन वाई एक्सिस पर सी पर कट कर रही है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0। ये अपनी वाई एक्सिस ही तो है और ये अपनी एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर अगर ये लाइन सी पर कट कर रही है, इसका वाई इंटरसेप्ट सी है, इसका मतलब इस चीज का मतलब है कि ये लाइन वाई एक्सिस को सी पर कट कर रही है। और अगर ये लाइन वाई एक्सिस को सी पर कट कर रही है तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, 0, C, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0, C। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, बाई माइनस बाई वन स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जो फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी, बाई माइनस बाई वन इजिकल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या आ जाएगा, ये बाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। यहाँ पे एम क्या बेटा इसकी, ये स्लोप है, और सी क्या बेटा, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें एम स्लोप है इसकी और सी इसका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है बेटा। तो आप इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। आप पॉज करके नोट कर लेना वो तो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -3। तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका स्लोप 2 है और इसका वाई इंटरसेप्ट -3 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बस सिंपली हमें क्या पता है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन करो, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। अगर आपका आंसर आता है देन वीडियो अगेन रिज्यूम करके देखो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है देन आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है बेटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -3। तो हमें क्या करना है, स्लोप पता है हमें और वाई इंटरसेप्ट पता है। स्लोप को रख दो 2, वाई इंटरसेप्ट को रख दो -3। वाई इक्वल टू 2x-3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको करनी है चीज़ें, है ना। तो ये सिंपल सा इजी वे में आंसर आ गया, है ना। तो इसको आप नोट कर लेना और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म है अपनी 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इस लाइन पे दो पॉइंट दिए होंगे आपको,
सपोज ये पॉइंट है अपना एक्स वन कॉमा वाई वन, सपोज ये पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। और इस लाइन पर सपोज तीसरा पॉइंट है ये सपोज एक्स कॉमा वाई टू पॉइंट है ना। ये लाइन पर तीसरा को जो पॉइंट है वो अपना जनरल पॉइंट है, मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में बताया था, जनरल पॉइंट के बारे में। आप इस पॉइंट को नहीं भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, चलो फिलहाल के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था जनरल पॉइंट के बारे में। जनरल पॉइंट क्या होता है बेटा, जो लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, है ना। और जनरल पॉइंट क्या डिनोट करता है, जनरल पॉइंट क्या होता है, लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस लाइन पर इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उन सभी इन्फाइनाइट पॉइंट्स को जनरल पॉइंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर टू पॉइंट फॉर्म में अगर चाहिए तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, तो मैंने आपको बताया था स्लोप टू पॉइंट फॉर्म में लाइन की स्लोप क्या होती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी टू पॉइंट फॉर्म में, उस दिन बताया था मैंने स्लोप फॉर्मूले में, है ना, कि स्लोप अगर लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं अगर उसको दो पॉइंट पता हो तो, उन दोनों के बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का रेशियो, है ना। डिफरेंस का मतलब अगर यहाँ पर बाई टू ले रहे हो तो यहाँ पर एक्स टू लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर बाई वन ले रहे हो तो यहाँ पर एक्स वन लो, है ना, मतलब ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, बाई माइनस कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, ये लाइन तो पॉइंट ए से भी पास कर रही है, पॉइंट बी से भी पास कर रही है, तो सपोज पॉइंट ए उठा लो, आप पॉइंट ए उठाओ या पॉइंट बी को पिक करो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट ए से पास कर रही है तो बाई माइनस बाई वन इजिकल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो इक्वेशन ही हो जाएगी, लेकिन हमें टू पॉइंट फॉर्म में निकालनी है तो स्लोप की जगह पर ये रख दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, बाई माइनस बाई वन इजिकल टू स्लोप की जगह ये रख दिया बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये अपने लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज टू पॉइंट फॉर्म, है ना। तो मतलब लाइन की इक्वेशन आप कैसे भी निकालो, टू पॉइंट फॉर्म में निकालो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालो, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में निकालो, या फिर आगे आने वाली जितनी भी फॉर्म है उन सब में निकालो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना, ठीक है। तो जस्ट ये एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से को रिलेटेड है, सारी की सारी फॉर्म एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है ना, तो सबसे सेम आंसर ही आएगा, है ना। तो इसको आप नोट करो और मैं रफ करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करो, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में ये मतलब प्रॉब्लम नहीं आती नोट करने की, आप पॉज करके कर सकते हो। तो नेक्स्ट मतलब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू एंड माइनस थ्री कॉमा फोर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू एंड माइनस थ्री कॉमा फोर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन ट्राई करना है, आंसर निकालना है, फिर आंसर आपको देखना है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। और आंसर नहीं आया तब भी सॉल्यूशन देखना है, तो आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो देखो टू पॉइंट फॉर्म है तो स्लोप क्या आ जाएगी, लाइन की लाइन है वन कॉमा टू और माइनस थ्री कॉमा फोर से पास कर रही है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा टू अपॉन माइनस फोर डेट इज माइनस वन बाई टू। तो इस लाइन की स्लोप आ गई बेटा माइनस वन बाई टू, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन आ जाएगी लाइन की बाई माइनस बाई वन, तो मैं इस पॉइंट को ले लो या इस पॉइंट को ले लो, किसी को भी ले लो आंसर सेम आएगा, तो सपोज इसको लिया तो बाई माइनस बाई वन स्लोप इज माइनस वन बाई टू एक्स माइनस एक्स वन। अगर फर्स्ट वाला पॉइंट लिया है तो फर्स्ट वाले का ही एक्स कोऑर्डिनेट लेना बेटा, अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो एक्स वन बाई वन में यही रखना है,
अगर ये पॉइंट लिया है तो इसी के कोऑर्डिनेट रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्स वन में इसका रख रहे हो वाई वन में इसका रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। जो पॉइंट लिया है उसी के कोऑर्डिनेट रखो यहाँ वाई वन एक्स वन में। ठीक है बेटा, क्या आ गया, टू बाई माइनस फोर इजिकल टू माइनस एक्स प्लस वन, क्या आ गया एक्स प्लस टू बाई इजिकल टू फाइव। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना है ना सिंपल सा, तो इसको आप नोट करो, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट फॉर्म पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्म में अपनी वो है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया डिटरमिनेंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म हो गया, अब आता है डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन है ना, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लाइन की डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में देखो बेटा, ये लाइन है सपोज, ठीक है, और ये लाइन कोई भी दो पॉइंट से पास कर रही है, एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो मैंने इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आप ये देखो, ये जो तीन पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई तो जनरल पॉइंट है जिसके 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 कोऑर्डिनेट, मतलब हमें क्या होते हैं एक्स कॉमा वाई और कोऑर्डिनेट जो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक्स कॉमा वाई क्या है, अपना एक जनरल पॉइंट है जो कि लाइन पर सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आंसर एक्स कॉमा वाई में आएगा, ये तो पक्का है। बाकी जो दो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है ना, ये ए और बी क्या है अपने, ये फिक्स पॉइंट है ना। ठीक है, ये अपने फिक्स पॉइंट है, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप ये देखो कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल है क्या, कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, जीरो होगा। ट्राइंगल का एरिया में क्या आता है, हाफ समथिंग डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, हाफ उधर चला जाएगा जीरो के। तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, एक्स बाई वन, एक्स वन बाई वन वन, यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला, इसका डिटरमिनेंट, इसमें हाफ और आता है लेकिन इक्वल टू जीरो है, तो हाफ तो उधर चला ही जाएगा जीरो के उधर, है ना। तो ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, है ना। ठीक है, तो ये कैसे निकाली हमने, सपोज ये लाइन एल है तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल है ना, कैसे निकाली हमने कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो कर दिया बस। ठीक है, तो जीरो हो गया, इसको आप लिख लो। इसमें कोई खास ऐसे क्वेश्चन तो जब आएगा तो आपको डिटर्मिनेंट में रखना पड़ेगा, है ना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन इसका खास है नहीं, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है अपनी, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। सपोज ये लाइन है और यहाँ पे सपोज इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है लाइन का और वाई इंटरसेप्ट बी है। ठीक है, तो ए क्या है अपना, एक्स इंटरसेप्ट अपना ए है और जो वाई इंटरसेप्ट है अपना वो है बी। ठीक है, इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो लिख लेना, मतलब ए कॉमा बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, ये तो मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया है, बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी डेट कि ए और बी हमेशा पॉजिटिव ही है ना। मे बी इट्स नेगेटिव, मे बी ए पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, मे बी बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है ना, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन निकली है, तो अगर सपोज ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका ए कॉमा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये ए पर इंटरसेप्ट कर रहा है लाइन। तो अगर ये लाइन ए पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए हो गया, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट बेटा क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम कॉन्सेप्ट से जीरो कॉमा बी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस पर बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अगर ये लाइन वाई एक्सिस पर बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस लाइन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो बी हो जाएगा। ठीक है, और
वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो कॉमा बी हो जाएगा। अगर इस लाइन की, अगर सपोज ये लाइन एल है, तो इस लाइन की स्लोप के बारे में बात करें तो कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी 0 - b अपॉन a -0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो y - y1 x1 में कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये वाला पॉइंट लेना है, y1 0 हो गया, आप कोई भी पॉइंट लो, ये लो या ये लो, आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो दूसरे पॉइंट से करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो y - 0 = slope (-b/a)(x-a), है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, ay = -bx + ab, तो क्या आ गया, bx + ay = ab, तो क्या आ गया, x/a + y/b = 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना x/a + y/b = 1। ठीक है ना, तो यहाँ से बेसिकली ए क्या था अपना, एक्स इंटरसेप्ट था, और बी क्या था अपना, बी था जो अपना वाई इंटरसेप्ट था। ठीक है बेटा, तो बी क्या था अपना, वाई इंटरसेप्ट था। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई बेटा, x/a + y/b = 1। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो आता है, ये जो चीज आती है, ये तो एक्स इंटरसेप्ट आता है, और ये जो चीज आती है वो वाई इंटरसेप्ट आता है, यानी कि यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आएगा और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रख देंगे, पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे। ठीक है, तो ये अपना इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लाइन थी, आप इसको नोट करो पॉज करके। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, तो अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, जो कि ए और बी है, तो अपनी लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी x/a + y/b = 1। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में कि x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट -4 है, x/3 + y/-4 = 1, -4x + 3y = -12, क्या आ गया, 4x - 3y = 12, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अपना आंसर आ गया है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को रखो लाइन की इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, मैं इस पर आप कर देता हूँ, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं स्ट्रेट लाइन में ना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप जस्ट वीडियो देख के अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना तो हो जाएगा। अच्छा ना, देख अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर, इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन पोर्शन पे। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3.8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3.8। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि -3.8 से पास करे। ठीक है, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -3.8 से पास कर रही है, और उसने जो एक्सिस है, एक्सिस पे जो सम है इंटरसेप्ट का, वो 7 है। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तो करो ये क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ मुझे क्या आंसर आया है।
देखो आप ट्राई कर लेना पहुंच करके, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -3,8 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑफ ऑन द एक्सिस इज 7। देखो जब भी स्ट्रेट लाइन का आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है, स्ट्रेट लाइन सर्कल कॉनिक पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि क्वेश्चन करने से पहले उसका डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये -3,8 कुछ पॉइंट होगा ऐसे, है ना, ये लाइन इससे पास कर रही होगी, ठीक है। ऐसे जस्ट रफली डायग्राम बना रहा हूँ, है ना बेटा। तो -3,8 से लाइन पास कर रही है और ये एक्सिस पे कुछ, सपोज मैंने मान लिया कि ये ए है, ए नेगेटिव आएगा इसमें ओबियसली, बट हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो ए माना। अब ए पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आएगा अपने आप आ जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, है ना, ठीक है। तो ये लाइन है ऐसी, और भी लाइन हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है लाइन, है ना, हाँ समझ रहा है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, बट ठीक है हमने एक लाइन मान ली, दो होंगी तो अपने आप दो आ जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप एनालिटिकली चीज़ें सॉल्व करोगे ना तो अपने आप एक ही दो वैल्यू आ जाएंगी, अगर दो लाइन आएंगी तो, है ना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है बेटा, अगर आप एनालिटिकली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर ऐसी दो लाइन आ रही होंगी, सपोज ऐसे एक लाइन ऐसे और आ रही है सपोज, ठीक है, इसका भी इंटरसेप्ट सपोज 7 आ रहा है, तो अगर ऐसी दो लाइन आ रही है तो अपने आप दो लाइन आ जाएंगी, वो एनालिटिकली सॉल्व करोगे तो उससे आ जाएंगी, ठीक है। तो हम तो एक ही लाइन मान लेते हैं, हमें पता भी नहीं कितनी लाइन है ना, अभी क्वेश्चन देख के तो कुछ पता नहीं लग रहा है ना, तो हमने मान लिया कि एक ही लाइन है, और अगर दो लाइन होंगी तो अपने आप एनालिटिकली सॉल्व करने पर एक ही दो वैल्यू और बी की दो वैल्यू आ जाएंगी, डोंट वरी, तो मैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन बेटा क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, है ना। आप ए नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा, तुमने तो ए माना है तो बस इक्वेशन ही होगी। तो किस पॉइंट से पास कर रही है, -3,8 से, -3 अपॉन ए प्लस 8 अपॉन बी इक्वल टू 1। तो उसने क्या बोला कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 7 बोला ना, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7, तो ए प्लस बी 7 है, तो बी क्या हो गया बेटा, 7 माइनस 8, बी को 7 माइनस 8 यहाँ पर डाल दो, 8 अपॉन 7 माइनस 8 इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -21 माइनस माइनस प्लस 3 a प्लस 8 a इजिकल टू ए इंटू 7 माइनस, है ना। ये मैंने एलसीएम लेके और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ना, आप सॉल्व तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन है, ठीक है, ए इंटू 7 माइनस है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो -21 प्लस 11 a इजिकल टू 7 a माइनस ए स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 4 a -21 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा -21 चाहिए, तो ए स्क्वेयर प्लस 7 a -3 a, ठीक है। तो ए इंटू ए प्लस 7 -3 इंटू ए प्लस 7, ए प्लस 7 इंटू ए -3 है ना, -21 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए इजिकल टू -7 और ए इजिकल टू 3, तो क्योंकि लाइन की ऐसी दो लाइन आएंगी, क्योंकि एक ही दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक ही दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसी दो लाइन आ रही होंगी, है ना। तो ए -7 हो गया, तो यहाँ से बी कितना हो गया बेटा, तो यहाँ पर ए की जगह -7 रखो, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पर बी कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 3 प्लस 4 7 होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी वो तो ये आ जाएगी, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी वो आ जाएगी ये वाली x/3+, ठीक है। तो ऐसी दो लाइन आ रही होंगी, है ना, जिसके लिए ए प्लस बी 7 हो, यानी कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 7 हो, और -3,8 से जो पास कर रही हो, है ना, एक लाइन ऐसे कुछ आ रही होगी, मतलब ऐसे कुछ आ रही होगी, एक लाइन ऐसे कुछ आ रही होगी, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन आ रही होगी ऐसे, ये दूसरी लाइन आ रही होगी, है ना, ठीक है, जिसके लिए ए तो क्या होगा, 3 होगा, और बी क्या होगा बेटा, जिसके लिए 4 होगा, है ना, ठीक है। तो एक लाइन ऐसी आ रही होगी, तो वो जस्ट जितनी भी लाइन आएंगी वो अपने आप एनालिटिकली सॉल्व करने पर आ जाएंगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ,
ओके बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो नेक्स्ट लाइन की क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ओके बेटा, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अपना परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो देखो परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म क्या है वो समझो आप। सपोज ये कोई लाइन है ना, ये क्या बेटा कोई भी एक लाइन है, इस लाइन पर ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज अल्फा एंगल बना रहा है ना। दिस इज अ लाइन, इस लाइन पर ये ओरिजिन है 0,0 और 0,0 से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला पी, वो परपेंडिकुलर पी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना। वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो लाइन है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। व्हाट वी हैव गिवन, हमें दिया है कि इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उसकी लेंथ है वो पी है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ पी है और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बताना है हमें कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। वापस से व्हाट वी हैव गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन इज पी एंड दिस परपेंडिकुलर पी मेक्स एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी के इक्वल है और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा। समझ आ गया इतना, तो देखो कैसे करते हैं इसको, तो उसके लिए देखो सॉरी, सपोज दिस इज अ ओरिजिन ओ, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, सपोज परपेंडिकुलर मीट दिस लाइन एट अ पॉइंट सी, ठीक है। कि माना कि ये जो परपेंडिकुलर है जो इस लाइन को सी पॉइंट पर मीट कर रहा है ना, तो ट्राइंगल ओ ए सी में, ट्राइंगल ओ ए सी में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कॉस अल्फा क्या होगा बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर तो दिस इज हाइपोटेनियस ओ ए और पी इज बेस तो पी अपॉन ओ ए, तो ओ ए बेटा कितना हो गया पी अपॉन कॉस अल्फा, फाइन ओ ए कितना आ गया पी अपॉन कॉस अल्फा। ट्राइंगल ओ सी बी में, तो ट्राइंगल ओ सी बी में अगर आप बात करो, है ना, तो दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज टोटल एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, ठीक है। कितना एंगल होगा ये बेटा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ सी बी में अगर आप देखोगे कॉस 90 माइनस अल्फा, ट्राइंगल ओ सी बी में अगर आप देखोगे कॉस 90 माइनस अल्फा, तो देखो अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, है ना। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ तो 90 180 होता है, तो पूरा एक लाइन 180 डिग्री एंगल तभी बनाएगी। ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, तो अगर ये भी 90 है तो यहाँ पे एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो कॉस 90 माइनस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये बेस बेस हो जाएगा, है ना। तो कॉस 90 माइनस अल्फा कितना आएगा, बेस इज पी और हाइपोटेनियस इस बार क्या होगा ओ बी,
कॉस 90 माइनस अल्फा होता कितना है साइन अल्फा, डेट इज पी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से ओ बी कितना आ गया बेटा, पी अपॉन साइन अल्फा। अगर देखा जाए तो इस लाइन की ओ ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी क्या है बेटा, वाई इंटरसेप्ट। इस लाइन के लिए ओ ए इज एक्स इंटरसेप्ट और ओ बी इज वाई इंटरसेप्ट, है ना बेटा। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या आएगी, एक्स अपॉन ओ ए प्लस वाई अपॉन ओ बी इक्वल टू वन। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ओ ए कितना है, पी अपॉन कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन ओ बी, ओ बी कितना है बेटा, पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, अब इसको फर्दर आप और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है बेटा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई अपनी, इस लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इतना लिखो, फिर आगे इसमें के बारे में मुझे और कुछ भी बताना है, तो आप इतना नोट करो पहले, फिर आगे करते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं भी किया हो तो पॉज करके कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बताता हूँ चीज़ें, और इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ। देखो बेटा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आई है, ये इस लाइन की इक्वेशन आई है। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो बेटा अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो देखो यहाँ पर तो लाइन ये थी, तो लाइन ये थी, तो इस केस में तो अल्फा क्या हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जीरो से पाई बाई टू तक जा सकता था इस केस में, है ना, दिस केस के लिए। अगर लाइन यहाँ पे हो जाए बेटा तो यहाँ पे तो अल्फा ही हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा पी वो तो ये होगा इस केस में, और जो परपेंडिकुलर पी होगा वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है, पाई बाई टू से पाई, है ना बेटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इस बार पी ए हो जाएगा, और पी ए हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा कितना होगा बेटा, थ्री पाई बाई टू से टू पाई, थ्री पाई बाई टू से नहीं, पाई से थ्री पाई बाई टू, है ना, पाई से अल्फा थ्री पाई बाई टू। और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो बेटा, सपोज दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, इस केस में तो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, तो अल्फा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू से अल्फा टू पाई, है ना। ये चार केसेस में अल्फा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, यानी कि जो अल्फा है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बेटा, जीरो से टू पाई तक, है ना। और पी क्या है, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। तो अगर लेंथ है परपेंडिकुलर की, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप ये चीज नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी मैं रफ कर रहा हूँ। तो जो चीज़ हमने अभी बताई है बाय वर्ड्स, उसको हम अब थोड़ा सा रिटर्न में लिख लेते हैं नोट्स में, कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, है ना। हियर पी इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ईयर पी इक्वल टू, देखो हमेशा मैथमेटिक्स में विद कंडीशन चीजें याद रखा करो, क्या कर रखो विद कंडीशन चीजें याद रखा करो। तो यहाँ पर पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मैथमेटिक्स में हमेशा बेटा विद कंडीशन चीजें याद रखनी है। तो हमेशा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरम, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट थ्योरम फॉर्मूला या फिर कोई भी नोट्स कुछ भी हो विद कंडीशन याद रखना है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, पी क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन ऑन द लाइन, ठीक है, और पी हमेशा क्या होगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो लिख लेना यहाँ पे कि P always greater than equal to zero होगा ना, जीरो से कम नहीं हो सकता क्योंकि perpendicular की length हमेशा positive होती है। alpha क्या है, alpha is the angle made by this perpendicular जो P है ना, perpendicular मतलब P, angle made by this perpendicular, perpendicular मतलब P with positive direction of x axis with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense या in anti-clockwise direction, ठीक है। और अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, अल्फा जाएगा जीरो से टू पाई तक, टू पाई पे ओपन आएगा ब्रैकेट और जीरो पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, है ना। तो जीरो इंक्लूड हो गया तो टू पाई इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये अपनी विद कंडीशन तुम्हें चीज़ें याद रखनी है परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो आप ये नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लेना पॉज करके, है ना बेटा। तो क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच हैव परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन is 5 and this perpendicular make 30 degree angle with positive direction of x axis in anti-clockwise sense, in anti-clockwise direction, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, find the equation of line which have perpendicular length from origin is 5। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो लेंथ है लाइन पर वो 5 है, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक 30 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर क्या है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, में ना। तो बेसिकली ये है क्वेश्चन, आप पॉज करके क्वेश्चन करने की ट्राई करना, ठीक है। ये 5 है और ये एंगल है 30 डिग्री। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पर p 5 दिया है और अल्फा 30 डिग्री दिया है, तो डायरेक्ट पुट कर दो x cos 30, y कितना है बेटा, y तो y रहेगा sin 30 रहेगा अल्फा, p कितना बेटा 5, cos 30 कितना होता है रूट 3/2 दैट इज 1/2, sin 30 दैट इज 5, आंसर आ गया रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आंसर आ गया ऐसे, है ना। आप इसको नोट करो,
इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, आप नोट कर लेना पॉज करके। फिर नेक्स्ट आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। तो जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो मैक्सिमम केसेस में आपको लाइन की जनरल फॉर्म ही मिलती है 90% केसेस में, और ये इस टाइप की फॉर्म होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। बहुत सिंपल फॉर्म है, कुछ नहीं है। जब आप सभी फॉर्म में एलसीएम वगैरह लेके एक साइड चीज़ें कर लेते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फॉर्म आ जाती है जनरल फॉर्म, है ना। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर लाइन जनरल फॉर्म में दी हुई है, लाइन की इक्वेशन अगर आपको जनरल फॉर्म में दी हुई है, तो उस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन अगर दी हुई है, तो उस फॉर्म में लाइन की जो स्लोप होती है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी हुई है, तो जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज माइनस ऑफ ए, क्या है यहाँ पे बेटा, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और बी क्या है बेटा, कोफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है, तो माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है बेटा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इन जनरल फॉर्म, और स्लोप ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, है ना। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो ये कैसे आता है, तो उसका प्रूफ बता देते हैं। तो देखो ये लाइन है अपनी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ये आ गया ए एक्स अपॉन माइनस सी, तो ये आ गया बेटा एक्स अपॉन माइनस सी वाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू वन। ठीक है, ये आ गया, है ना। अब देखो ये जो है एक्स अपॉन माइनस सी वाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट तो कितना है, माइनस सी वाई ए, y इंटरसेप्ट कितना है बेटा, माइनस सी अपॉन बी। और सपोज ये लाइन एंगल थीटा बना रही है, तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ से तो पहले ये बताओ, ये वही लाइन है, यही लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सेम ही है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया है बस, एक लाइन को दूसरी लाइन में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, एक फॉर्म का, एक लाइन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इजिली इंटर कन्वर्ज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करते हैं ना। ठीक है, तो एक लाइन को, एक लाइन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लाइन की फॉर्म्स को आपस में इजिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा। देखो जैसे ये किया है, यहाँ पर जनरल फॉर्म थी, ये जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दिया ना, लाइन तो वही है। तो अब देखो इसमें टेन थीटा क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेन थीटा क्या आएगा, पहले तो मैं आपको देखूँ वहाँ पर दिख रहा है या नहीं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके फाइन। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आएगा, यहाँ तक दिख रहा है आपको, है ना, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो टेन थीटा क्या आएगा बेटा, तो टेन थीटा आएगा अपना दिस अपॉन दिस, डेट इज माइनस सी अपॉन बी अपॉन माइनस सी अपॉन ए, है ना। टेन थीटा तो यही होता है वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस से माइनस कट गया और ए तो रह गया, सी से सी कट गया, तो टेन थीटा कितना आ गया बेटा, ए अपॉन बी। इस लाइन की स्लोप अगर एम है, तो एम कितना होगा बेटा, टेन 180 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होती है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है लाइन, 180 माइनस थीटा। स्लोप क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस 10 थीटा, और टेन थीटा को यहाँ से रख दिया तो माइनस ए अपॉन बी। ए क्या था यहाँ पे,
कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशियंट माइनस ए अपॉन बी आया, तो ए क्या था माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है। तो यही जो लाइन की इक्वेशन आई थी, स्लोप आई थी यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया ऐसे। अब आपको ये याद रखना है बेटा, है ना, कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाइन है, तो इसकी अगर स्लोप निकालनी है तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, माइनस एक्स का कोफिशियंट दैट इज ए अपॉन वाई का कोफिशियंट दैट इज बी, ठीक है। एक्स का कोफिशियंट माइनस टू है तो माइनस टू रखना है, विद साइन रखना है ना, ठीक है, विदाउट साइन नहीं रखना। तो ये आप रफ, मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लो ये, ठीक है। ये अपनी स्लोप फॉर्म है, मतलब सॉरी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म की स्लोप है ये, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, ये आप नोट कर लेना पॉज करके। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ फॉर्म, इंटर कन्वर्जन ऑफ फॉर्म्स, मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे इंटर कन्वर्ज करना है ना। तो जैसे चलो अपन कोई भी लाइन मान लेता हूँ, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, आपको दिख रही है ax plus by plus c equal to 0 है। इसकी स्लोप कितनी है बेटा, माइनस 2y3 है ना, माइनस x का कोफिशियंट अपॉन y का कोफिशियंट विद साइन, है ना। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही है, तो माइनस प्लस टू अपॉन प्लस थ्री दैट इज माइनस टू बाई थ्री, है ना, ओके। अब इसमें बेटा देखो, इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट। अगर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, बाई को एक साइड रखोगे, बाकी चीजें दूसरी साइड ले जाओगे। तो बाई कितना आ गया, माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, माइनस टू बाई थ्री, और बाई इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा, माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना। अगर आपको इसको बेटा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सपोज आपको इसी लाइन को कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, 2x plus 3y equal to minus 5 करो, minus 5 से डिवाइड करो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेसिकली, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है अपनी वो इस टाइप की होती है ना, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो इस टाइप की होती है। तो यहाँ पे तो बाई को एक साइड लेके आना था, बाकी एम एक्स प्लस सी हो गया, है ना। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे पहले वन बनाना है, तो वन बनाना है तो माइनस फाइव से डिवाइड कर दिया। अब जो भी है एक्स का कोफिशियंट, मतलब नीचे सब कुछ एक्स के आना चाहिए, एक्स में, यहाँ पे एक्स में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब वन ही होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस फाइव बाई थ्री हो गया, दैट इज इक्वल टू वन। तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया माइनस फाइव बाई टू, और बाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस फाइव बाई थ्री। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, है ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, इसी लाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो इसको पहले मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, नॉर्मल फॉर्म के लिए आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटे। पहले बेटा मैंने जनरल फॉर्म से स्लोप निकाली, फिर जनरल फॉर्म से मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट किया, दूसरा मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तीसरा मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। जो नॉर्मल फॉर्म है ना बेटा, जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है, इसमें देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 2x plus 3y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5। पहले तो देखो नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इस टाइप की होती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो p होता है ना बेटा, p परपेंडिकुलर होता है, लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन ऑन द लाइन, ठीक है। और जो बेसिकली जो पी होता है ना वो पॉजिटिव पी होता है ना। तो यहाँ पे अगर देखो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p लिखे तो यहाँ पे तो p नेगेटिव है, तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाओगे तो यहाँ पे आ गया माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव बन गया। अब अगर इससे कंपेयर करें तो cos अल्फा तो माइनस टू हो गया बेटा और sin अल्फा माइनस थ्री हो गया, तो ये तो गलत है बेटा। cos अल्फा तो माइनस टू आता नहीं है, cos अल्फा तो माइनस वन से वन के बीच में जाएगा, sin अल्फा भी माइनस वन से वन के बीच में जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो cos अल्फा माइनस टू आ रहा है, sin अल्फा माइनस थ्री आ रहा है, डेट इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये कन्वर्ट तो नहीं हुई। तो अब देखो बेटा क्या करते हैं वो आपको याद रखना है, जो x का कोफिशियंट है और जो y का कोफिशियंट है उसके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर देते हैं इसको cos अल्फा और sin अल्फा बनाने के लिए, है ना। तो क्या किया मैंने, इसके स्क्वायर का सम कितना हो गया माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर। x का कोफिशियंट माइनस टू है, y का कोफिशियंट माइनस थ्री है, इनके स्क्वायर का सम ये हो गया माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा माइनस थ्री वाई, ठीक है। x का कोफिशियंट कितना माइनस टू उसका स्क्वायर, y का कोफिशियंट कितना माइनस थ्री उसका स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दिया। और बेटा मैथमेटिक्स का तो एक सिंपल सा स्वीट सा फंडामेंटल होता है, फंडा होता है कि अगर तुम डिवाइड इधर करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस करना है, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करनी है, विदाउट बैलेंस कुछ भी नहीं है ना मैथमेटिक्स में, विदाउट बैलेंस कुछ नहीं होगा, इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डिवाइड किया है आपने तो वहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखो बेटा अभी क्या आ गया अपना, अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी आ गया माइनस टू एक्स अपॉन नाइन प्लस फोर कितना हो गया रूट थर्टीन, तो ये आ गया माइनस टू बाई रूट थर्टीन एक्स माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन वाई इक्वल टू फाइव, फाइव बाई रूट थर्टीन, है ना, ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन में देखोगे ना तो कॉस अल्फा माइनस टू बाई रूट थर्टीन हो सकता है और साइन अल्फा माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन हो सकता है ना। देख लो वैसे भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो कितना आएगा माइनस टू बाई रूट थर्टीन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन का स्क्वायर, डेट इज फोर बाई थर्टीन प्लस नाइन बाई थर्टीन, डेट इज थर्टीन बाई थर्टीन, डेट इज वन। तो अगर कॉस अल्फा माइनस टू बाई रूट थर्टीन है और साइन अल्फा माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन आ रहा है जो कि आना भी चाहिए। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा कितना है माइनस टू बाई रूट थर्टीन, साइन अल्फा कितना है माइनस थ्री बाई रूट थर्टीन और पी कितना है बेटा, तो पी है प्लस फाइव बाई रूट थर्टीन, पी पॉजिटिव होता है ना तो प्लस फाइव बाई रूट थर्टीन। तो अब ये फॉर्म है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब भी आपको जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा पहले पॉजिटिव बनाओ पी, उसके बाद जो एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट है उसके स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करो, तभी वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है बेटा। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया है आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आप अच्छे से कल पढ़ के आना, क्योंकि आज आप जो भी मैंने पढ़ाया वो आप कल पढ़ के आओगे तभी आपको कल वाला समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको फ्रेंकली, जो भी आज पढ़ाया है वो कल पढ़ के आओगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ओके फाइन, बाय, टेक केयर।